नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं सुल्तानपुर टुडे। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है जिले के प्रसिद्ध अस्पताल अयान हॉस्पिटल में। यहाँ हमारे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता सर हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस फील्ड से बिलोंग करते हैं सर और किस बीमारियों का इलाज करते हैं। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मैं बेसिकली प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैंने मुंबई से 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, MCH किया था और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर था सायन हॉस्पिटल में। मैं प्लास्टिक सर्जरी के अलावा कॉस्मेटिक सर्जरी, हैंड सर्जरी, मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा और बर्न सर्जरी यानी जलने का उपचार, ये सब करता हूँ। तो डॉक्टर साहब, ये जो प्लास्टिक सर्जरी किन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, या ये कहें कि ऐसे कौन से मरीज हैं जो आइडेंटिफाई अपने आप कर पाए हैं, उनको ज़रूरत होती है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो उनको प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी थोड़ा सा एक नई ब्रांच आप मान सकते हैं सुल्तानपुर जैसे ज़िले के लिए। आमतौर पे क्या होता है कि हमारे ही चेहरे में या शरीर में कोई ख़राबी होती है देखने में जो एबनॉर्मल लगती है, पर हम उसको सोचते हैं कि इसका इलाज हम किससे करवाएं, क्योंकि हमारी जानकारी में तो यहाँ पे लोग हैं ही नहीं ऐसे जो इस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, तो उन चीज़ों को हम लोग ठीक करते हैं। और जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है कटे हुए होठ और तालू का ऑपरेशन, जो कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कराते हैं, तो वो हम लोग करते हैं। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों की शादियां रुक जाती हैं, जैसे किसी का अच्छा हेयर लॉस हो रहा है, किसी को काले निशान हैं, धब्बे हैं, सफ़ेद दाग हैं, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, उंगलियां टेढ़ी हैं, चिपकी हैं, हाथ जल गए हैं उसकी वजह से जॉइंट चिपक गए हैं, तो ये सब बीमारियों का इलाज आमतौर पर नहीं होता है या ठीक से नहीं होता है। तो सब चीज़ों का मैं स्पेशलिस्ट हूँ, चूँकि मैं मुंबई से करके आया हुआ हूँ, मेरे 4 साल का वहाँ का एक्सपीरियंस है, तो ये चीज़ें जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ वो हो सकता है कोई नहीं कर रहा होगा। और मेरे नॉलेज में भी इससे पहले कोई प्लास्टिक सर्जन सुल्तानपुर में तो नहीं बैठा है। तो कहीं ना कहीं ये सुल्तानपुर की जनता के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा, या नए डॉक्टर हैं यहाँ पर जो प्लास्टिक सर्जन हैं। अगर इस तरह की, जैसा कि आपने आपको डॉक्टर साहब ने बताया, अगर इस तरह की समस्याएँ होती हैं तो आप अयान हॉस्पिटल से कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज का आपका पहला दिन है, कैसा रहा एक्सपीरियंस सुल्तानपुर की जनता के साथ, यहाँ के लोगों के साथ? मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे पेशेंट्स यहाँ पे होंगे। बहुत सारे पेशेंट्स तो कॉमन प्रॉब्लम के साथ थे, पर मेरी खुद की स्पेशलिटी के यहाँ पे मुझे 10 पेशेंट मिले जिनमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी और ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जैसे एक पेशेंट के प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, मतलब उसकी बीमारी 3 साल तक बढ़ती रहेगी, उसके बाद उसको ऑपरेशन हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। एक मरीज का मुंह नहीं खुलता है तो उसको हम ठीक करेंगे, उसका भी ऑपरेशन होता है। तो इस तरह से मेरे 10 प्लास्टिक सर्जरी के अपने खुद की स्पेशलिटी के पेशेंट। इस तरह के पेशेंट जो सुल्तानपुर में, जिनको ये सुविधाएं नहीं मिलती, वो लखनऊ जाते हैं, तो ऐसे में आप सुल्तानपुर में सुविधाएं मिल रही हैं, तो उनको अगर पर्सनली आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि कैसे उन्हें कितनी खुशी मिल रही है? वो नहीं, मैं बहुत ही अच्छे से वेलकम किया गया। जो यहाँ पे जो हमारी फील्ड से जुड़े हुए उनके लिए तो बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है कि ऐसे कोई डॉक्टर यहाँ पे हैं जो कि एक रेगुलर बेसिस पे वीकली, मतलब हर हफ्ते अपनी सर्विस दे पाएंगे, तो ये तो मतलब आई एम मोस्ट वेलकम हियर। तो कैसे आपसे कांटेक्ट करें, या फिर कैसे जो है आप सुल्तानपुर के अलावा भी कहीं और बैठते हैं, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा कीजिए। मेरा खुद का क्लिनिक है लखनऊ में, मिनरवा क्लिनिक नाम से, अभी नया नया शुरू कर रहे हैं हम लोग। ये सुल्तानपुर, ये लखनऊ में शहीद पथ के पास में है, सुल्तानपुर रोड पर ही। आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं डेली बेसिस पर, और वीकली हम लोग यहाँ पे अयान हॉस्पिटल पे शनिवार को रहेंगे। कहीं ना कहीं अगर सुल्तानपुर की जनता को, सुल्तानपुर के लोगों को अगर सैटरडे यहाँ सुविधा मिल रही है, तो मुझे लगता है लखनऊ जाने की ज़रूरत नहीं। एक्चुअली लखनऊ जाने की जरूरत इसलिए होगी क्योंकि सभी सुविधाएँ जो है यहाँ पर एक दिन में प्रोवाइड करना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैं बोलूँ कि आपको लखनऊ आना पड़ेगा, तो लखनऊ और सुल्तानपुर बहुत दूर नहीं है, अगर मैं यहाँ आ रहा हूँ तो वो भी आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुल्तानपुर से बात की।